चलो सच्चे बता दो अब दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यूट्यूबर के लिए, जो कि काफ़ी लोग का कंफ्यूजन बना रहता है कि सर मतलब कि मान लीजिए कि मतलब कोई वीडियो है हम यूट्यूब पर उसको 2x के स्पीड में देखते हैं तो हमारा वॉच टाइम कितना काउंट होगा, पूरा काउंट होगा या आधा काउंट होगा, मतलब काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कोई भी वीडियो है, आपका वीडियो है, आप किसी का भी वीडियो आप उसको 2x के स्पीड में यूट्यूब से देखना चालू करते हैं तो आपका वॉच टाइम कितना काउंट होता है। तो मान लीजिए कोई वीडियो है, ठीक है, सबसे पहले किसी भी वीडियो देखने के लिए तीन टाइप के लोग, चार टाइप के लोग रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो अपलोड किए, ठीक है, अपलोड करते ही कोई रेगुलर व्यूअर है तो कोई क्या करता है कि मान लीजिए कि आपके वीडियो पर क्लिक करता है और एक कमेंट कर देता है, लाइक कर देता है, हो गया बस। तो इसे आपका ऑडियंस रिटर्न ख़राब हो सकता है, हो जाता है मतलब, ठीक है, काफ़ी कम देखता है, कमेंट कर देता है जैसे कि दिखाने के लिए हम आपका वीडियो देखे हैं, तो ये तो मतलब दिक्कत होता है। तो आपका वॉच टाइम काफ़ी कम काउंट होता है, जितना समय तक आपके वीडियो पर रहा मतलब 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, उतना ही आपका वॉच टाइम काउंट होगा। और दूसरे टाइप के ये होते हैं कि जो रेगुलर देखते हैं और क्या करते हैं कि मान लीजिए कि उसको पूरा वॉच करते हैं, तो 5 मिनट का वीडियो है और उसको कोई पूरा वॉच किया तो आपका पूरा का पूरा 5 मिनट का वॉच टाइम मिलेगा, ठीक है। और थर्ड नंबर होता है कि मान लीजिए कोई क्या हुआ कि आपका वीडियो देखा, उसको पूरा 2x के स्पीड में देखा उस वीडियो को, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका वॉच टाइम कोई 2x के स्पीड में देखा है तो आपका 5 मिनट का वीडियो है तो 2.5 मिनट काउंट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब ये देखता है कि आपके वीडियो में कोई लोग कितना टाइम मतलब बिताए, मतलब 5 मिनट में से मान लीजिए कि वीडियो रहा आपके, लेकिन आपके वीडियो में कोई बस सिर्फ 2.5 मिनट यानी कि 2.5 मिनट आपके वीडियो पर कोई भी टाइमिंग स्पेंड किया है, जो कि आपका मतलब वॉच टाइम 2.5 मिनट का ही काउंट होगा। और चौथे टाइप के लोग ये होते हैं कि मान लीजिए कोई आपका वीडियो हो गया और उस वीडियो का क्या किया कि आप बहुत तेज़ी में बोले हैं तो कोई क्या करेगा उसको मान लीजिए कि पूरा 0.5 के स्पीड में देखेगा, मतलब पूरा स्लो करके देखेगा, तो आपका वीडियो जो है ना 5 मिनट का है तो अगर पूरा स्लो करके देख रहा है तो आपका वॉच टाइम 10 मिनट का काउंट होगा, ठीक है, 5 मिनट का वीडियो है तो, ठीक है। तो ऐसा ही काउंट होता है, यूट्यूब ये देखता है कि आपके वीडियोज़ पर लोग टाइम कितना बिताए हैं, ठीक है, कितना समय तक आपके वीडियोज़ को वॉच किए हैं, ठीक है, तो यूट्यूब ये मतलब देखता है। तो ऐसा ही वॉच टाइम का मतलब वीडियो का झमेला रहता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।